सितंबर तक बढ़ाए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन, कुछ देशों को दी छूट। जल्द ही 2 साल से ऊपर के बच्चों को लग सकेगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना संकट, स्कूल खोले जाने पर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जताई नाराजगी, कहा अगर बच्चे बीमार पड़े लगे तो संभालना होगा मुश्किल। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। सीएम खट्टर का व्यवहार जनरल डायर जैसा, किसान सबका हिसाब करेगा। किसानों पर लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत, किसान आंदोलन लाठीचार्ज करने पर भड़के गवर्नर मलिक, बोले एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगे खट्टर। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें, आत्मनिर्भरता की देश में कदम और सरकार के सामने चुनौतियां। फास्ट ट्रैक हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण, 58 ट्रेनों के लिए टेंडर जारी। मार्च 2024 तक दौड़ेंगी 102 ट्रेनें। दिल्ली 24 घंटे में कोरोना के 31 केस दर्ज, लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं। महाराष्ट्र में सामने आए कोरोना वायरस के 4,666 नए मामले, 131 और मरीजों की मौत। फिर बीजेपी और शिवसेना कर ले गठबंधन, मोदी सरकार के मंत्री रामदास आठवले ने कहा हो रहा महाराष्ट्र का नुकसान। महाराष्ट्र भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर बोले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कोरोना के मामले बढ़े तो जिम्मेदार कौन होगा।